गणित दिवस के अवसर पर अग्रसर फाउंडेशन मनपा मनी बेइंग इंस्टीट्यूट और साउथ सेंट्रल जोन के संयुक्त विद्वान से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 3000 विद्यार्थियों ने गणित के पहाड़ों का साथ में पठन किया। इस संदर्भ में भाजपा की शिवानी दानी ने अधिक जानकारी साझा की। हर साल 22 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। सिर्फ 32 साल की जिंदगी पाने वाले रामानुजन ने कम समय में ही कुछ ऐसा काम कर दिया, उनका नाम गणितीय इतिहास में अमर हो गया। इसी के चलते अग्रसर फाउंडेशन मनपा मनी बेइंग इंस्टीट्यूट और साउथ सेंट्रल जोन के संयुक्त विद्वान से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 3000 विद्यार्थियों ने गणित के पहाड़ों का साथ में पठन किया। साथ ही गणित दिवस के चलते अग्रसर फाउंडेशन की ओर से गणित के पहाड़ों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 75 स्कूलों से करीब 8,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस संदर्भ में भाजपा की शिवानी दानी ने अधिक जानकारी साझा की। गणित उपलक्ष मध्ये अग्रेसर फाउंडेशन नागपूर महानगरपालिका मनीबी इन्स्टिट्यूट तसेच साउथ सेंट्रल झोन यांच्या संयुक्त विद्यमानांनी अग्रेसर फाउंडेशन यांनी पुढाकार घेऊन गणित दिवसाचा कार्यक्रम आम्ही आज इथे मनवलेला आहे। मागील 5 वर्षापासून अग्रेसर संस्था काम करते आहे, पण 3 वर्षांपासून पाडे पठणाची कॉम्पिटिशन आम्ही विविध शाळांमध्ये घेतो आहे। आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून 75 शाळांपर्यंत 8,500 विद्यार्थ्यांनी या कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि पाडे म्हणण्याचं जे कल्चर आहे जे लुप्त होत चाललेलं आहे, आमच्या पिढीपर्यंत पाडे पाठ करण्याची पद्धत होती पण आता ते नाही म्हणत आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी सबकॉन्शियस माइंडमध्ये कॅल्क्युलेशन्स फास्ट नाही होत, ते पुन्हा कल्टिवेट करण्यासाठी अग्रेसर फाउंडेशनने हा प्रयत्न केला आहे। 30 व्हॉलेंटियर्स सकट मागील 15 दिवस सतत अग्रेसर फाउंडेशन काम करते आणि आज इथे सामूहिक 3,000 वर विद्यार्थ्यांनी पाडेपठण केलं आहे, ज्याला स्वतः महापौर आणि पोलीस कमिशनर होत्या। 75 शाळांमध्ये 8,500 विद्यार्थ्यांनी या कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट केलं। बता दें कि गणित के महत्व के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य मकसद है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़, नागपुर।